जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय बाबा शिवोजी की आज हम बाबा शिवोजी के देवस्थान पर मौजूद हैं और ये देवस्थान है गोरन से दो किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित बाबा शिवोजी डंगा दरबार जो पीछे बोर्ड भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं इस जगह को धार कहा जाता है और इसके आगे जो जगह है समोठा गांव है सोड़म गांव है लेकिन जिस तरह से हम आपको गोरन इलाके से जो बाबा शिवो जी के देवस्थान के बारे में बताते हैं उस देवस्थान का इतिहास आपको बताते हैं किस तरह से वो जो देवस्थान है वहाँ पर बाबा शिवो जी वहाँ जो वो समाय थे बताया जाता है कि धड़ जो है वो बाबा जी का उसी देवस्थान पर है जो गोरन गाँव में है बाबा शिवो जी का देवस्थान लेकिन अलग अलग इतिहास है जिस तरह से जहाँ पर दो तारा बजाते थे बाबा जी वो यही जगह है जिसे डंगा दरबार के नाम से आप जानते हैं ये पीछे आप बोर्ड पढ़ सकते हैं और आप गोरन में आते हैं बाबा शिवोजी के दर्शन करने तो उसके आगे भी दो किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़कर आप यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर भी उनके इस इतिहास के बारे में भी आप जाने और हम इसके बाद भी कोशिश करेंगे कि उनके जन्म स्थान पर भी पहुंचा जाए तो जो कमेटी के यहाँ प्रधान है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर जो है ये, ये जो मंदिर है यहाँ पर स्थापित हुआ दो तारा बता बताया जाता है कि जब वो छोटी उम्र में थे वो इतना सुरीला दो तारा बजाते थे कि आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर्षक होकर उनके पास पहुँचते थे उनका दो तारा सुनने के लिए यहाँ तक कि पक्षियों की बात करें जानवरों की बात करें तो वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे ये इतिहास है मैं आगे की तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर बाबा जी का जो मंदिर है वहां तक मैं आपको लेकर जाऊँगा यहाँ पर बताया जाता है कि जो जो ऐतिहासिक चीजें हैं वो इसी मंदिर में जो है वो रखी हुई है जहाँ पर दो तारा भी रखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी जो ये मंदिर है बताया जाता है कि एक छोटी सी जगह थी यहाँ पर और उस छोटी सी जगह को अब डेवलप करके एक बड़ा मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा है इसमें कई लोगों ने अपना अहम योगदान भी दिया है लेकिन बाबा जी की कृपा है ये मंदिर आने वाले दिनों में एक भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया जाएगा और मैं आपको प्रोपोज मंदिर का वो दृश्य भी दिखाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इस डंगा दरबार में यह मंदिर जो है वो बनकर तैयार होगा जो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आ, बाबा जी का एक ऐतिहासिक मंदिर जो है वो जाना जाएगा लेकिन अब मैं आपको उस जगह पर लेकर जाऊंगा यहां पर बाबा जी बैठकर दोतारा बजाया करते थे उस बड़ के पेड़ के नीचे वो मंदिर है वो भी मंदिर में आपको बताऊंगा और क्या इतिहास है ये जानने की भी कोशिश करेंगे तो ये वो मंदिर है बाबा शिवोजी का जिसे आप बाबा शिवोजी डंगा दरबार के नाम से जानते हैं आने वाले दिनों में ये एक भव्य मंदिर बनेगा जिसको लेकर काम भी यहां पर किया जा रहा है और ये वो जगह है जो इतिहास कहता है कि एक छोटी सी यहाँ पर जगह हुआ करती थी और यहीं पर बाबा जी जो है वो दोतारा बजाते थे लेकिन आज उस जगह को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है बाबा जी के इतिहास को आगे तक जो दर्शाने की कोशिश की जा रही है मंदिर कमेटी की बात करें तो उसमें भी कमेटी का अहम योगदान माना जा रहा है लेकिन मैं आज आपको बाबा शिवो जी के दर्शन धार से कराऊंगा जो समोठा और सोड़म गांव के साथ ही लगता इलाका है पहाड़ी इलाका है बड़ा खूबसूरत मनमोहक दृश्य है आसपास का और उसी पहाड़ों के बीच जो है ये बाबा शिवो जी का ये डंगा दरबार है और दो तारा जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बाबा जी बजाया करते थे ये वो दो तारा है जिसे बाबा जी बजाते थे और एक सुरूली धुन जब निकलती थी मनमोहक धुन निकलती थी तो उसी धुन को सुनने के लिए आसपास के लोग जो है वो यहाँ पर आते थे पक्षी तक जानवर तक जो है वो बाबा जी की धुन सुनते थे लेकिन कुछ लोगों ने धोखे से जो है बाबा जी को जो है आ, मार दिया जिस तरह से धड़ जो है वो आज उसी देवस्थान पर है जहाँ से हम आपको बाबा शिवोजी गोरन वाले बाबा जी के देवस्थान से आपको पूरा अपडेट करते हैं बाबा जी का इतिहास बताते हैं वहाँ पर धड़ है और जो जन्म स्थान है बाबा जी का समोठा गाँव वहाँ पर जो है आ, गर्दन बताया जाता है कि उनके माता पिता की झोली में गिरी थी जब ये आ, पूरा वाक्य हुआ था लेकिन प्रधान जी हैं कमेटी के बाबा शिवोजी गोरन मंदिर कमेटी के इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट है लेकिन इस इतिहास के बारे में जानना चाहूंगा जो आज हम पहली बार आपको जेके मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं और सबसे पहले ये जेके मीडिया ही आपको ये पहल करके दिखा रहा है कि यहाँ पर इस देवस्थान पर पहुंचा जाए और बाबा जी के दर्शन आपको करवाए जाए तो मेरे साथ यहाँ जी हैं मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वो संदेश देना चाहते हैं और हम ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए आप गोरन तक आते हैं बाबा जी के दर्शन करते हैं लेकिन दो किलोमीटर की पहाड़ी चढ़िए और यहाँ पर भी आपको एक इतिहास सुनने को मिलेगा देखने को मिलेगा दसरा जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि बाबा जी की इतनी कृपा है कि इतिहास को खंगालने की जो कोशिश की गई है इतिहास को आगे दर्शाने की कोशिश की गई है वो अब गोरन गांव तक नहीं बल्कि उसके आगे भी उनके जन्म स्थान तक पहुंचने की कोशिश है क्या कुछ कहेंगे ये वही जगह है यहाँ पर दोतारा बजाया करते थे बाबा जी क्या इतिहास है हमारे दर्शकों को बताएं और क्या अपील आप श्रद्धालुओं से करना चाहते हैं सबसे पहले ऋषि खजूरिया जी मैं आपके जो जे मीडिया का बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के इस जगह पर जो बाबा जी का डंगा नाम से जाना जाता है बहुत ही प्राचीन मंदिर है किसी जगह में आपने इसको लोगों तक ये जानकारी बाबा शिवो जी के इतिहास के बारे में बताने की कोशिश की मैं दिल की गहराइयों से अपने मन से और बाबा जी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जैसे आपने पूछा है कि मेरा नाम देसरा शर्मा है मैं बतौरे प्रेजिडेंट काम कर रहा हूँ इस कमेटी में लेकिन मैं जो जनता सुन रही है मैं उनसे एक अपील करूंगा कि मैंने जो अपना नाम है प्रधान बड जो है वो मैंने बाबा जी का हुक्म हुआ है कि उसको काट दें और मैं एक सेवक के रूप में काम करूंगा जब तक उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा इस स्थान का मतलब बताने में मेरी इतनी औकात नहीं है फिर भी जो उनका हुक्म है मैं बताता हूं सभी जनता को मेरी तरफ से बाबा की तरफ से आशीर्वाद मेरी तरफ से नमस्कार इस जगह पे बैठ के बाबा जी कई बरसों साल पहले जो हमारे पूर्वज जब मुझे उन्होंने अपनी शक्ति के माध्यम से बताया है कि इस जगह पे उनका बध हुआ था इसी दतारे के ऊपर वो इधर दतारा बजाते थे जब वो इधर दतारा बजाते थे तो सुनाते हैं बताते हैं कि उस वक्त जहाँ के पेड़ भी हिलना बंद कर देते थे और जो पक्षी हैं वो भी अपनी आवाज़ निकालना बंद कर देते थे और आज से आठ साल पहले ये जगह जो है बिल्कुल एक जंगल के रूप में थी और मुझ में बाबा जी ने अपने माध्यम से ऐसा कि कोई शाया के रूप में प्रवेश किया और मैंने इधर उनकी भक्ति करना शुरू की शुरू शुरू में उनका जो उद्देश्य के अनुसार और मेरे शरीर को भी बहुत कष्ट हुआ लोगों की बातें भी सुनने पड़ी लोगों ने मुझे पागल भी कहा मैं पागल रहा भी लेकिन आज वो वही स्थान है जो बाबा जी ने मुझे अपने चरणों में लगा के इस जगह की उत्पत्ति करना शुरू कर दी है और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप गोरन में माथा टेकते हैं वहाँ पे बाबा शिव जी का जहाँ से जब बध हुआ था तो शरीर बिना गर्दर के चलता हुआ गया था उनके पीछे जिन्होंने बाबा जी का कत्ल किया था और इनकी जो गर्दन है जहाँ से हवा में इनके जो माता पिता राजा लद्ध और माता रानी कल्ली जो समोठा में वो उस वक्त जो भक्ति में लीन थे उनकी गोद में जा गिरा था और जहाँ पे इनका जो स्थान है तब से ही वीरान पड़ा था और इनकी जब भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने जहाँ पे सेवा करना शुरू की जैसे जैसे जे अपने आशीर्वाद के माध्यम से मुझे बताते हैं और मैं हर एक कदम इनको पूछ के चलता हूँ इस पहाड़ी के ऊपर इन्होंने पानी भी निकाला है हमें आदेश दिया था कि इस जगह पे आप बोर करवाएँ पहाड़ पर और ऊंचे पहाड़ पे आज 24 घंटे जहाँ पे पानी का बोर चल रहा है वो बाबा शिवों की देन है और उनका हुक्म है कि सबसे पहले उनका जो मंदिर है इस जगह पे स्थापित होगा उसकी मेन वजह ये है मैं जात्रुओं और श्रद्धालुओं को भी बताना चाहता हूँ कि उनकी जो अंतरात्मा है वो इस जगह पे बैठी हुई है वो सब जगह विराजमान अब घर से याद करेंगे वो आपकी मनोकामना वहाँ भी पूरी करेंगे लेकिन जो उनका मन है वो इस दतारे में है उनका मंदिर जो है वो पहले इधर बनेगा जब वो विराजमान होंगे और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जहाँ आके इनके दर्शन करें उनका जो दतारा है उसके दर्शन करें और अपनी मनोकामना इनसे आशीर्वाद लें और अपनी मनोकामना पूरी करें लेकिन एक चीज़ मुझे पता चलेगी कि आपको ये भी हुक्म हुआ है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा आप उपवास पर हैं और खाना नहीं खाएंगे अन्न ग्रहण तब करेंगे जब मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो ऋषि जी आपने सवाल तो बहुत बड़ा किया है लेकिन मैं चाहता था कि ये सवाल मैं जनता में ना बताऊं लेकिन अगर पूछा ही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अभी हाल ही में जहां पे भागवत कथा रखवाई थी और 11 तारीख को रात को जागरण था 12 को उस कथा का समापन हुआ उस समापन में मैंने बाबा जी का मुझे आदेश हुआ और मैंने भी उनसे अर्ज की कि बाबा जी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो इतना समर्थन प्रदान करो ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ जोड़ो या अपने चरणों में बुलाओ ताकि आपका मंदिर जो है बब्बे मंदिर जो मेरा सपना है आपका आदेश है आपका आशीर्वाद है जब तक मंदिर ना बनेगा मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब इनका मंदिर कंप्लीट होगा तो मैं हरिद्वार गंगा में स्नान करके उसके उपरांत मैं अन्न ग्रहण करूंगा उस दिन से मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया है जय बाबा शिव महाराज की जय हो बिल्कुल बड़ा अच्छा इन्होंने एक बताया इतिहास के बारे में एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम जब सांबा से चले थे आप सब लोग जानते हैं कि सांबा हेडक्वार्टर से जब आप चलते हैं तो सुम्ब ब्लॉक का ये गांव गोरन यहां पर बाबा जी का देवस्थान है यहां पर बाबा जी के दर्शन आप करने आते हैं आशीर्वाद पाने आते हैं और इतना सच्चा शक्तिपीठ है कि हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है अगर किसी के घर में औलाद नहीं है औलाद प्राप्ति होती है इतिहास है और सबके बिगड़े काम जो वो संपूर्ण होते हैं, बनते हैं और ये एक शक्तिपीठ शक्तिपीठ है लेकिन उसी शक्ति को हम आगे बढ़ते बढ़ते जब देखते हैं तो आज हम सांबा से चलकर गोरन तक पहुंचे लेकिन गोरन से आगे दो किलोमीटर पहाड़ चढ़ते हैं दो से तीन किलोमीटर का आप लेके चलिए और उस पहाड़ी पर ये वो जगह है यहां पर बाबा जी का दो रखा गया है इसी जगह पर इतिहास कहता है हजारों वर्ष पहले कि बाबा जी यहां पर दो बजाया करते थे और समोठा गांव इन्हीं पहाड़ियों के बीच है यहाँ पर बाबा जी का देवस्थान है माफ कीजिए जन्म स्थान है और बताया जाता है कि जब कुछ लोगों ने धोखे से मारा था तो बाबा जी का धड़ बाबा गोरन जी शिवो देवस्थान जो गोरन गाँव में है वहां पर गिरा और जो गर्दन है वो उनके माता पिता की झोली में गिरी ये इतिहास है इस इतिहास को हम आगे तक लेकर जाएंगे हम कोशिश करते हैं हर बार कि आपको इतिहास बताएं और हम यही बाबा जी से कामना करेंगे प्रार्थना करेंगे कि आप सबकी झोलियाँ बने आप सबके ऊपर आशीर्वाद बाबा जी का बना रहे कृपा बनी रहे यही हम कहेंगे लेकिन बाबा जी की इतनी कृपा है कि आज एक छोटी सी जगह जो है वो एक भव्य मंदिर के रूप में बनने जा रही है इसको लेकर वचनबद्ध हैं यहाँ के जो सदस्य हैं मेंबर हैं या प्रेसिडेंट हैं उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर ये मंदिर बनकर तैयार होगा एक भव्य मंदिर बनेगा और हम श्रद्धालुओं से अपील करेंगे कि आप गोरन बाबा जी के दर्शन जब करते हैं तो आप उन्हीं का ये हिस्सा है यहाँ तक भी आप पहुंचे दो किलोमीटर पहाड़ी आपने चढ़नी है आपको भव्य दर्शन यहाँ पर बाबा जी के होंगे और उनके दो तारे के भी होंगे मेरे पास शब्द नहीं आगे मैं क्या व्याख्या करूं बाबा जी की इतनी कृपा है लेकिन सबसे कहूंगा कि आप लोग दर्शन करने बाबा जी के ज़रूर आए बाबा शिवोजी डंगा दरबार धार समोठा और सोड़म गांव के ये नज़दीक है यहाँ पर आकर बाबा जी के दर्शन जरूर करें आशीर्वाद जरूर बाबा जी का प्राप्त करें फिलहाल के लिए क्रम राहुल के साथ ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए जय बाबा शिवोजी